सुप्रभातम, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। पंचांग परंपरागत भारतीय काल दर्शक है, जिसमें समय की हिंदू इकाइयों तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कर्ण का उपयोग होता है। हिंदू धर्म में समय को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले पंचांग देखते हैं। पंचांग के परामर्श अनुसार ही कोई भी शुभ कार्य का शुभ समय पर आरंभ करते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, हेमंत ऋतु, माघ मास, कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, मंगलवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में संतुलन होना बेहद आवश्यक है। विचारों का संतुलन और सकारात्मक विचारों का जीवन में प्रवाह जीवन को परिपूर्ण बनाता है, संपूर्ण बनाता है और संतुष्ट बनाता है। आइए देख लेते हैं आज का सुविचार सुभाषित। आत्मैव ज्ञात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी कृतस्याप्यकृतस्य च। प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है, तथा वह स्वयं ही अपने कर्म व अकर्म का साक्षी होता है। Every person is their own friend or enemy and is witness to one's own deeds or misdeeds. हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना को विशेष महत्व दिया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों की उपासना करने से साधक के पाप नष्ट होते हैं, उसका जीवन सफल होता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात के कच्छ में स्थित है, देखिए इस पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। सदियों पुरानी भारतीय चिंतन धारा ने भारत को अपने ज्ञान प्रवाह से तपस्या से सींचा है, जिसकी स्पष्ट गवाही देते हैं हमारे सनातन ग्रंथ। इन ग्रंथों पर आधारित समृद्ध ज्ञान और हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक स्थल, जिनके बारे में जानना हम सबके लिए आवश्यक है। तो आइए, भारतीय ज्ञान परंपरा में आज हम आपको ले चलते हैं भारत की आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा पर और कराते हैं भारत के प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर की यात्रा। ओम श्री सोमनाथाय नमः। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन ज्योतिर्लिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन भारतीय ज्ञान परंपरा के अंग महाभारत, स्कंद पुराण, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं
गुजरात में सोमेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर, तो मध्य प्रदेश के ही खंडवा में स्थित है ओंकारेश्वर। उत्तराखंड के केदारनाथ में केदारेश्वर मंदिर है, वहीं महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। काशी में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। झारखंड राज्य के देवघर में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, तो वहीं पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है गुजरात के द्वारकापुरम में। तमिलनाडु के रामेश्वरम में रामेश्वर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है घूषमेश्वर ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयम् चंद्रकलावतंसम् भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम् तम सोमनाथम् शरणम् प्रपद्ये। शिव पुराण के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ ज्योतिर्लिंग अथवा श्री सोमेश्वर मंदिर की गणना सबसे पहले होती है। गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र के किनारे स्थित यह श्री सोमनाथ मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है और हिंदू आध्यात्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। श्री सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जो विश्व को ज्योति दिखाने का काम करते हैं, विश्व के लिए प्रकाश का काम करते हैं, समस्त जन के लिए अंधकार से प्रकाश में जाना आवश्यक है, अज्ञान से ज्ञान में जाना आवश्यक है। तो इस प्रकार की ज्योति भगवान श्री सोमनाथ के दर्शन से, वंदन से और अर्चन से प्राप्त होती है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। प्राचीन मान्यता के अनुसार उन्होंने भगवान शिव को ही अपना नाथ या स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी और भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्ति का वरदान दिया था। यही कारण है कि ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग या सोमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सोमलिंग नरो दृष्टा सर्व पापात् प्रमुच्यते लब्ध्वा फलम मनोभीष्टम मृतः स्वर्गम समीहते। अर्थात भारतीय ज्ञान परंपरा के स्रोत स्कंद पुराण के अनुसार सोमनाथ मंदिर में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा का पात्र बन जाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को मुगलों ने 17 बार तोड़ा और इसे लूटा था, किंतु भारतीय ज्ञान परंपरा में इस मंदिर की मान्यताओं और आध्यात्मिक संस्कृति में इसके महत्व को ध्यान में रखकर सोमनाथ मंदिर का बार बार जीर्णोद्धार कराया गया। भारतीय संस्कृति धरोहर और इसके ज्ञान के द्वारा भारत को एक बार फिर संपूर्ण विश्व में अलग पहचान दिलाने में तत्पर वर्तमान भारत सरकार ने भी 2021 में अन्य मंदिरों के साथ साथ इस सोमनाथ मंदिर का भी पुनरुद्धार कराया और भारतीय ज्ञान परंपरा में धार्मिक आस्था के स्वरूप इस सोमनाथ मंदिर को न केवल गुजरात में, न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाया। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर में दर्शन और उपासना करने से भक्तों के कष्ट जो है वो नष्ट हो जाते हैं और उनका जीवन सफल बनता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब भारतीय परंपरा प्रभाव के बाद बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। जिगर हमारे पाचन प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिगर कई ऐसे मुख्य कार्य करता है जिनसे हमारा स्वास्थ्य बेहतर बने। कई कारक हैं जो जिगर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और अगर जिगर प्रभावित हो जाए तो कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। किस तरह से अपने जिगर को स्वस्थ रखा जाए और कैसी जीवन शैली जिगर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायक हो सकती है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है।
जिसकी हमारे स्वास्थ्य के लिए अहम भूमिका होती है। जिगर हमारे शरीर के लिए एक फूड फैक्ट्री के रूप में काम करता है। जिगर एक पाचन अंग है जो शरीर में सभी चय अपचय प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाता है। शरीर के पाचन में सहायता करना, बाइल जूस का निर्माण करना, रक्त से हानिकारक तत्वों को अलग करना, संक्रमण से लड़ने में सहायता करना, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखना, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और भंडारण, हार्मोन का निर्माण करना, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य जिगर द्वारा किए जाते हैं। कई कारक हैं जो जिगर को प्रभावित कर सकते हैं या जिगर के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं जो कि जिगर की बीमारी को प्रमोट करते हैं। सबसे पहला तो है शराब पीने की वजह से, दूसरा है जिसको कि हम कहते हैं नैश और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या फैटी लिवर जिसे कहते हैं, वो है उसके कई कारण हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके अंदर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हमारा एबनॉर्मल लाइफस्टाइल और उसके अंदर वो होल स्पेक्ट्रम जो है उसका लिवर डिजीज़ का है, जो कि फैटी लिवर सिंपल फैट होना, वसा का ज़्यादा होना लिवर के अंदर, उससे एक स्टेप आगे जो है वो होता है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जब सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं, और उससे भी और अगर आगे जाएँ तो certain percentage will go on, और जिसके अंदर जो है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ भी डिवेलप हो जाती है जो कि नैश रिलेटेड, और फाइनली कुछ मरीजों के अंदर हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो जाता है। जिगर हमारे शरीर में ऊर्जा का भंडार है। अधिक मात्रा में वसायुक्त आहार का सेवन और शारीरिक श्रम न करना, ये जिगर में वसा एकत्रित होने का कारण बन सकता है। इसका प्रमुख कारण है शराब का अत्यधिक सेवन, जिसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज कहते हैं, जबकि नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज का कारण जीवन शैली से संबंधित है। किसी बीमारी का प्रभाव होने पर जिगर सही रूप से कार्य नहीं कर पाता। जिगर ठीक से कार्य न करे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। ऐसे में व्यक्ति को कुछ लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। जिगर में खराबी होने पर पेट के ऊपरी भाग में दर्द और असहजता महसूस होना, भोजन के बाद पेट में भारीपन, पीलिया, पेशाब का रंग गहरा होना, भूख न लगना, थकान महसूस होना, आसानी से नील पड़ना, पैरों और टखनों में सूजन, पेट में पानी भरना और खुजली होना, ये लक्षण जिगर रोग की ओर संकेत करते हैं। इसका कारण जानना और विशेषज्ञ को दिखाना आवश्यक है। एक्सेस अल्कोहल जो है वो हमेशा आपको लिवर की बीमारी की तरफ ले जाएगी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छे से कम 45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी रूप में, और कुछ नहीं तो मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग ही हम कर सकते हैं। और खाने के अंदर एक वेल बैलेंस्ड फूड हमें लेना है, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, तो आम आदमी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, सो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम हाई कैलोरी या हाई फैट या हाई शुगरी फूड जो है वो हम खाएं। सो खाने में हम ध्यान रखें कि ये चीज़ों का अमाउंट मिनिमम हो। जिगर हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए जिगर को कैसे स्वस्थ रखा जाए ये समझने की आवश्यकता है। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर जिगर का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जिगर में वसा का एकत्रित होना जिगर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, फैटी लिवर डिजीज का कारण बनता है, तो वहीं पेट में चर्बी हो यानी पेट में वसा एकत्रित होने लगे तो ये मोटापे को निमंत्रण देता है और मोटापे को कई अन्य बीमारियों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो आइए समझ लेते हैं कौन सी यौगिक क्रियाएं और प्राणायाम करने से आप अपने पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पायल। आज का हमारा विषय है बेली फैट को कम करना, जो काफी महिलाओं के लिए भी चिंताजनक विषय है। बेली फैट कम करने से ना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, पर हमारी सेहत भी अच्छी बनी रहती है। तो आइए जानते हैं एक ऐसा आसन जो हमारे बेली फैट को कम करेगा, उसका नाम है नौकासन, उसे बोट पोज भी कहते हैं। इसके लिए हम पहले अपने दोनों पैरों को अपने सामने रखेंगे, अपने हाथों को अपने बाजू में रखकर
अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाने का प्रयत्न करेंगे। अगर ये मुश्किल है तो आप पहले एक पैर उठाइए और फिर दूसरा पैर उठाइए, और उसके बाद आप दोनों हाथों को भी अपने सामने रखें। अपनी पीठ को सीधा रखने का प्रयत्न करें, आपके पैरों को भी सीधा रखें, अपनी नज़र को अपने सामने अपने अंगूठों के ऊपर रखें, अपने पूरे शरीर को कोर से पकड़ने का प्रयत्न करें। यहाँ पे आपका पूरा कोर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आप थोड़े से शायद हिलेंगे, अगर ऐसा हो तो रहने दें, और फिर धीरे से दोनों पैरों को और अपने हाथों को नीचे रखें। आप इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करें। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो हम जानेंगे गुरु माँ हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। पेट के ऊपर चर्बी बढ़ाना हेल्थ के लिए बहुत ही गलत होगा। ये चर्बी हमेशा हटाए रखनी चाहिए और उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। खाने पर एक तो ध्यान दें कि एक साथ खूब पेट भर के खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 6 बार खाएं। दूसरा, खाने में दही लेना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा, अदरक की चाय, हरी चाय की पत्ती की चाय, पेपरमिंट की चाय, ये सब फैट को हटाने में मदद करेगी। चौथा, कोशिश ये करें कि एक जगह हम लंबे समय ना बैठे रहें, क्योंकि एक जगह बैठे रहने से वज़न यहाँ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पांचवा, चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और दिन में वॉक करते ही रहना चाहिए। हर 2 घंटे कम से कम रूम में ही एक राउंड मार लीजिए, बारी के पास चले जाइए, दूर ही कोई चीज़ देखिए, कुछ न कुछ ऐसा करते रहिए और उससे बहुत फ़ायदा हो जाए। नमस्कार। तो योग का उपयोग कर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं, बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं, और अगर कोई समस्या हो गई है तो उसमें भी योग करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। रोज कुछ समय योग के लिए अवश्य निकालिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर बनेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं न जाएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पांसिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में कर्म करते रहना बेहद आवश्यक है। कर्म एक शक्ति है, इसकी उच्चतम अभिव्यक्ति तब होती है जब ये ज्ञान द्वारा निवेशित होता है। हम संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का ज्ञान साझा करते हैं, तो आइए चलते हैं गवीश द्विवेदी के साथ संस्कृत पाठशाला में, जहाँ आज वो सिखा रहे हैं शरीर के अंगों को संस्कृत में कैसे बोला जा सकता है। बाल के लिए संस्कृत में शब्द है केशः, केशः। गाल चीक के लिए शब्द है कपोलः, कपोलः। होंठ को संस्कृत में कहते हैं ओष्ठः। कान के लिए शब्द है कर्णः, कर्णः। गला जिसे थ्रोट कहते हैं, शब्द है कंठः, कंठः। कंधा शोल्डर, शब्द है स्कंधः, स्कंधः। बाहु आर्म, इसके लिए शब्द है भुजः, भुजः। हथेली के लिए संस्कृत में शब्द है हस्तः, हस्तः। नाखून को संस्कृत में कहते हैं नखः, नखः। पैर के लिए शब्द है चरणः, चरणः। जांघ के लिए संस्कृत में शब्द है ऊरुहु, ऊरुहु।
नाक अर्थात नोज संस्कृत शब्द है नासिका, नासिका। जीभ के लिए शब्द है जिह्वा, जिह्वा। फिंगर जिसे उंगली कहते हैं संस्कृत में शब्द है अंगुली, अंगुली। हेड सिर के लिए मस्तकम, मस्तकम। फोरहेड अर्थात माथा संस्कृत में शब्द है ललाटम, ललाटम। आँख के लिए संस्कृत में कहते हैं नेत्रम, नेत्रम। मुंह के लिए शब्द है मुखम, मुखम। चेहरा अर्थात फेस इसके लिए संस्कृत शब्द है वदनम, वदनम। चेस्ट अर्थात छाती इसके लिए संस्कृत शब्द है वक्षस्थलम, वक्षस्थलम। ब्लड अर्थात खून संस्कृत शब्द है रक्तम, रक्तम। घुटना नी इसके लिए संस्कृत में कहा जाता है जानु, जानु। त्वचा के लिए संस्कृत में कहते हैं चर्म, चर्म। ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति की रचनात्मकता बढ़ती है, वो अलग अलग कार्यों को अपने ढंग से करने में सक्षम हो पाता है। केसर का नाम आते ही अक्सर हमें हमारे दिमाग में ख्याल आता है कश्मीर का, लेकिन अब तकनीक की सहायता से गर्म क्षेत्रों में भी केसर की खेती की जा रही है। ऐसा ही कुछ किया है वडोदरा के एक दंपति ने, जिन्होंने तकनीक की मदद से केसर की खेती कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा ही कुछ करके दिखाया है वडोदरा में रहने वाले एक दंपति ने, जो वडोदरा में रहकर केसर की खेती कर रहे हैं। आमतौर पर केसर का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में कश्मीर का ख्याल आता है, लेकिन आधुनिक समय में बढ़ती तकनीक और विज्ञान की मदद से कोई भी चीज अब नामुमकिन नहीं रह गई है। वैभव पटेल और उनकी पत्नी आस्था माहेश्वरी पटेल एरोपोनिक्स तकनीक के जरिए घर में ही कश्मीरी केसर उगा रहे हैं। वो बताते हैं कि खेती करने से पहले उन्होंने कश्मीर जाकर वहाँ के किसानों से बात की थी, बहुत रिसर्च के बाद केसर की खेती करने की ठानी, और नतीजा आप देख सकते हैं कि केसर के फूलों की पैदावार अच्छी मात्रा में हो रही है। माय हस्बैंड उनको ऑलरेडी थोड़ा इंटरेस्ट था इन इंडोर फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग, वो काफ़ी टाइम से इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो फिर हम साथ में उसके बारे में थोड़ा पढ़ने लगे, एंड वी डिसाइडेड कि करना तो है बट अब हम कौन सा क्रॉप उगाना चाहेंगे उसके बारे में हम दोनों ने साथ में काफ़ी पढ़ा। हमने क्रॉप्स का प्रोज कॉन्स क्या है अलग अलग क्रॉप्स के बारे में अच्छे से जाना, और फिर हमने साथ में डिसाइड किया कि हम सैफरन उगाना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे उसके प्रोज थे फ्रॉम अदर क्रॉप्स। फिर वहाँ वो डिसीजन लेने से आई थिंक अब तक व्हाटएवर वी हैव बीन एबल टू डू हमने साथ में किया। इस रूम में जो भी आप देख रहे हैं हमने साथ में वो पूरा प्रिपेयर किया, साथ में हम कश्मीर गए, वहाँ सारे फार्मर्स से बात की, और इवन जब हमने लेबरर्स बुलाए हमने उनके साथ लेबरर बनकर ही काम किया इस प्रोजेक्ट के लिए। केसर को चुनने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। केसर की शेल्फ लाइफ जो कही जाती है, एक अगर रेफ्रिजरेशन में रखो तो 2-3 साल चलती है, और अगर नॉर्मली भी रखो तो भी वो 1 साल तक चल जाती है। दूसरा ये है कि केसर का जो सीड है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सीड होता है, उसका सिर्फ एक वीक पॉइंट यही है कि पानी ज़्यादा नहीं देना है, तो और वो स्ट्रॉन्ग सीड है वो काफ़ी हद तक टेम्परेचर्स को हैंडल कर लेता है, और बेस्ट चीज़ ये है कि वो मल्टीप्लाई करता है, तो इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स बेसिकली। केसर की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में की जाती है क्योंकि केसर की खेती के लिए कम तापमान की जरूरत होती है, लेकिन आजकल तकनीक की सहायता से गर्म क्षेत्रों में भी केसर की खेती हो सकती है, और तकनीक की मदद से आस्था और वैभव ने वडोदरा में केसर की खेती कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी मेहनत और लगन ने उनके केसर की खेती के प्रयोग को सफल कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
समय के साथ चल पड़ना अपने विवेक का उपयोग किए बिना ही भीड़ का हिस्सा बनने मात्र है। जिस तरह से प्रबल लहरों के वेग से निष्प्राण देह भी गतिमान हो जाती है, लेकिन जीवन का सत्य मूल्य और बल इसमें ही निहित है कि धाराओं के विपरीत वेग करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आप भी जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसे कभी मत छोड़िए। अगर आपको असफलता प्राप्त होती है तो अपना लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बदलिए, लक्ष्य नहीं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।